फ्रांस दौरे में पीएम मोदी, आज भारतीय समुदाय के लोगों के बीच सुनने के लिए हजारों लोग जुटे। पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में पहुंचे मोदी, लोगों की तरफ से शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा नए भारत के निर्माण का वक्त है, देश ने किया पहले से ज्यादा प्रचंड जनादेश। वासियों ने पहले से भी अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार को समर्थन दिया है। पीएम मोदी ने कहा 75 दिनों में किए बड़े फैसले, खत्म कर दिया 3 तलाक। पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध उनकी सरकार, भतीजावाद, परिवारवाद और आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा। जाते हैं जहां सही जगह होती है। चिंता मत कीजिए आप तक। पीएम मोदी ने कहा उनकी सरकार अपने वादे भूलने वाली नहीं है, कर दिखाया नामुमकिन किए जाने वाला काम। साथियों पूरी दुनिया में एक तय समय में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट अगर किसी देश में खुले हैं तो वो भारत में खुले हैं। पीएम ने कहा इस वक्त राम में रम रहा है पूरा फ्रांस। पीएम मोदी ने दिया इंफ्रा का नारा, कहा इंडिया और फ्रांस के पहले शब्दों को जोड़कर दोस्ती का नया दौर। पीएम ने बताया सोलर इंफ्रा से लेकर सोशल इंफ्रा तक, टेक्निकल इंफ्रा से लेकर स्पेस इंफ्रा तक चलेगी दोस्ती। फ्रांस में रहने वाले भारतीयों को पीएम ने दी गणपति उत्सव की बधाई। पीएम के भाषण के दौरान पूरे हॉल में गूंजती रही तालियां, मोदी मोदी के लगे नारे। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बातचीत, साझा बयान में बोले पीएम फ्रांस से दोस्ती स्वार्थ पर नहीं टिकी। साझा बयान में पहले बोलते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने कश्मीर को बताया भारत पाक का द्विपक्षीय मसला, कहा भारत पाक मिलकर सुलझाएं विवाद। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश आए साथ, साझा बयान में बोले मैक्रों आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा फ्रांस के साथ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर हुई बातचीत। G7 समिट में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे हैं पीएम, 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से होगी मुलाकात, आज यूएई के लिए रवाना। आईएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में अगली तारीख सोमवार को। एयरसेल मैक्सिस विवाद की सुनवाई सोमवार तक टली, वकीलों की दलील ईडी सोमवार तक नहीं कर सकती गिरफ्तारी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा विदेशों में 10 शेल कंपनियां, उनके खाते 17 बैंक खाते। बिहार के फरार बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी जानकारी। बिहार पुलिस से जानकारी लेने के बाद दिल्ली पुलिस लेगी हिरासत में, कोर्ट रूम में पुलिस ने की अनंत सिंह से पूछताछ। मोदी सरकार पर बदले अभिषेक मनु सिंघवी के सुर, उज्ज्वला योजना की तारीफ की, कहा व्यक्ति नहीं मुद्दों पर होने चाहिए मूल्यांकन। बुधवार को जयराम रमेश ने कहा था मोदी को हर वक्त गलत कहने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिंघवी ने किया उनके बयान का समर्थन। इंफोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति का बयान, गरीबी खत्म करने के लिए 300 साल में पहली बार पैदा हुआ आत्मविश्वास। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का बड़ा बयान, 70 साल में पहली बार फाइनेंस सेक्टर में ऐसे बुरे हालात। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में, लेकिन वित्त मंत्री को पता नहीं है क्या करें। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बयान को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, हर इंडस्ट्री इस वक्त घाटे में चल रही। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा करीब 3 करोड़ लोग बेरोजगारी के कगार पर। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, सरकार ने अपने आर्थिक सलाहकार भी मान रहे हैं जिसको लेकर आवाज उठाई जा रही है।
प्रियंका गांधी ने यूपी के सरकारी स्कूल की बदहाली पर किया ट्वीट, लिखा मिर्जापुर के स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में दी जा रहा है नमक की रोटी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, अनुच्छेद 370 पर चर्चा करने की मांग, स्पीकर ने विजेंद्र गुप्ता को 2 दिन के लिए किया सस्पेंड। 3 तलाक पर कानून का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, कानून के खिलाफ 3 याचिकाएं। तीनों याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। कोर्ट ने कहा कि पाबंदी और अपराध घोषित होने के बावजूद ऐसी घटनाएं जारी नहीं रह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कानून पर रोक लगाई, कानून की वैधता का परीक्षण करने को तैयार। बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई कर रहे ट्रायल जज एसके यादव ने मांगी पुलिस से सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में योगी यूपी सरकार से मांगा जवाब। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आतंक का अलर्ट, श्रीलंका के रास्ते लश्कर के 6 आतंकियों के घुसने की खबर। अलर्ट के मुताबिक आतंकियों में 1 पाकिस्तानी नागरिक, 5 श्रीलंका के तमिल मुस्लिम, चेन्नई में भी सुरक्षा बढ़ी। आतंकियों की तलाश में जुटी पुलिस, गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। एहतियात के तौर पर अपराधी चरित्र के लोगों को लिया जा रहा है हिरासत में, मंदिरों में गार्ड की भी चेकिंग। पाकिस्तान सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मिर्जा असलम बेग का बयान, खालिस्तानी आतंक को बढ़ावा देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल। पीओके में पाकिस्तान की नई साजिश, घुसपैठ के लिए ISI के मदद से जैश ने बनाया मुजफ्फराबाद में नया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम 88 में बैठकर आतंकियों को निर्देश दे रहा है मसूद अजहर का भाई, लॉन्चिंग कमांडर माविया खान को आतंकी भेजने की जिम्मेदारी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक माविया खान तैयार कर चुका है 40 से 50 फिदाइन, कश्मीर में घुसपैठ कराने का प्लान। घुसपैठ के समय जैश के आतंकियों को दिए गए हैं कोड वर्ड रोमियो, टैंगो, 2 अल्फा और माइक जैसे शब्द। श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हुसैन हक्कानी का दावा, कश्मीर के मामले पर श्रीलंका पाकिस्तान के साथ। डूबते पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने किया किनारा, एशिया प्रशांत ग्रुप ने पाक को काली सूची में डाला, वित्तीय सहयोग से इनकार। यूएन में धार्मिक भेदभाव पर घिरे चीन और पाकिस्तान, अमेरिका ब्रिटेन कनाडा के नेताओं ने की विद्या। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस के अधिकारी का बयान, भारत पाक चाहे तो कश्मीर विवाद सुलझाने में सहयोग को तैयार है अमेरिका। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में की फायरिंग, 1 जवान शहीद। पाकिस्तान पर पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान, कहा हमने दिया सख्त संदेश, कोई भी भारत को हल्के में नहीं ले सकता। जुमे के दिन श्रीनगर में देखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह सख्त निगरानी। श्रीनगर में अलगाववादियों ने बुलाया है बंद, हालात पूरी तरह काबू में। स्कूलों के बाद जम्मू के मदरसों में भी चहल पहल, शुरू हुई पढ़ाई। 12 साल से छोटी बच्चियों से यौन अपराध के मामले में सुनवाई, 2 महीने में हो पूरी, गृहमंत्री अमित शाह बोले विस्तृत निगरानी तंत्र बनेगा। यूपी के बलरामपुर में 5,000 LPG सिलेंडर जंगल से बरामद, गैस एजेंसियों के संचालक की हेराफेरी का खुलासा। उत्तर 24 परगना के एक मंदिर में भगदड़, दीवार गिरने से हादसा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 27 घायल, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंची ममता बनर्जी। कानपुर में स्कूल जा रही बस में लगी आग, बाल बचे बच्चे। बिहार के सुपौल में नशे में धुत स्कॉर्पियो ड्राइवर ने 3 को कुचला, 2 की मौके पर मौत। लुधियाना की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर। वाराणसी में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, नाव से पहुंचे बाढ़ पीड़ितों तक। घाट किनारे बने रविदास मंदिर में आए योगी, बाबू जगजीवन राम की मूर्ति पर चढ़ाई माला। यूपी के संभल में कई गांव आए सैलाब की चपेट में, डॉक्टरों ने लगाया गांव में कैंप। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नाला पार करते तेज बहाव में बहा युवक, लोगों ने मिलकर बचाई जान। उत्तराखंड के आराकोट में फटे बादल, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। यूपी के हरदोई में गौवंश तस्करों और पुलिस की सर्विलांसी में मुठभेड़, 2 तस्कर और 1 पुलिस वाला जख्मी। दिल्ली में चलती कार में आग, ड्राइवर और 2 सवार समय रहते निकले बाहर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बच्चा चोरी के शक में पिटाई, मानसिक रूप से दिव्यांग था युवक। पंजाब के पठानकोट में अवैध शराब से भरी गाड़ी जब्त, ड्राइवर फरार। उत्तराखंड के नगवाड़ा में आपदा राहत ड्यूटी के दौरान हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट और को पायलट सुरक्षित। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रोड रेज विवाद के बाद ग्रोसरी स्टोर मालिक की पिटाई, लोहे की रॉड से हमला किया।
जान बचाने के लिए स्टोर में घुसे पीड़ित अमित बग्गा, आरोपियों पर 15 लाख रुपए लूटने का आरोप। मथुरा में युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिसकर्मी से अभद्रता के आरोप में पिटाई। बिहार के हाजीपुर में बच्चा चोरी के आरोप में महिला की खंभे से बांधकर पिटाई, महिला की मौत। यूपी के कन्नौज में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग, पुलिस ने जावाजी दिखाते हुए कुएं में फेंका सिलेंडर। बिहार के खगड़िया में डॉक्टर ने जिंदा मरीज को मृत मानकर इलाज से किया इनकार, परिवार का बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज। राजस्थान के अलवर में छात्र संघ चुनावों की रंजिश को लेकर दो गुटों में मारपीट, कैफे के अंदर भिड़े छात्र। गुजरात के सूरत में कैमरे में कैद हुआ हैरत अंगेज हादसा, कार से कुचलने के बाद भी सही सलामत बची मासूम। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरडीएस कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में झड़प, कई छात्र घायल। बिहार के हाजीपुर में व्यवसायियों की हत्या के मामले में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन के पति गिरफ्तार, हंगामा और आगजनी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भाखड़ा डैम में लगातार बड़ा हुआ है पानी का जलस्तर, डैम के चार गेट अभी भी खुले। जन्माष्टमी के मौके पर कोयम्बटूर के बाजारों में रौनक, राधा कृष्ण की सुंदर मूर्तियों से सजे बाजार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, कृष्ण राधा की वेशभूषा में छोटे बच्चों ने मोहामन। यूपी के मुरादाबाद में जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए बाजार में उमड़ी भीड़, राधा कृष्ण की मूर्तियों की रौनक। देश में दो दिन मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार, आज और कल दोनों दिन श्रद्धालु मना रहे हैं जन्मोत्सव। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मची धूम, सजाया गया पूरा शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश से 3 दिन तक मनेगा उत्सव, सीएम खुद होंगे समारोह में शामिल। मथुरा के महाविद्यालय रामलीला मैदान में कल मंत्रियों के साथ आएंगे मुख्यमंत्री योगी, दही हांडी के कार्यक्रम में लेंगे भाग। वाराणसी में भी कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी, भगवान कृष्ण का मुकुट और वस्त्र तैयार कर रहे हैं मुस्लिम कारीगर। तिरुवनंतपुरम में मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, जन्माष्टमी के मौके पर पूजा की तैयारी। चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह से करीब 2500 किलोमीटर दूर से खींची तस्वीर, 7 सितंबर को चांद पर होगी लैंडिंग। अमेजॉन के जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से काबू पाने की कोशिश। दुनिया के सबसे बड़े वन क्षेत्र में 4,50,000 हेक्टेयर में वन संपदा खाक, बॉम्बी बकेट के जरिए आग बुझाने की कोशिश। नासा ने जारी किया अंतरिक्ष चली गई अमेजॉन के जंगलों में लगी आग की तस्वीरें, तस्वीरों में उठता दिखा धुआं। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयर शो में आगाज, हवा में 19 जेट विमानों ने दिखाए करतब। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।